हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसए वर्सेस आईएनडी, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो है ये थर्ड T20 मैच खेला जाएगा। आपको ही पता है, पहला मैच इंडिया की टीम ने विन किया था, दूसरा मैच साउथ अफ्रीका की टीम ने विन किया था। इस बार जो है वेन्यू क्या रहने वाली है, तो ये वेन्यू जो है सुपर स्पोर्ट पार्क जो है सेंचुरियन में होगी। 13 नवंबर को ये मैच जो है शाम को 8:30 पे स्टार्ट होगा। तो टाइमिंग का भी ध्यान रखिएगा कि 8:30 पे ये मैच है। क्लियर कट आपको मैं सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा और आपको बेहतरीन जो है दूंगा, यानी रिकॉर्ड्स पूरे आपको भर भर के मिलने वाले हैं। वीडियो को आप लोग मेरे भाई पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोग के लिए मैंने गिववे भी लाया हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे गिववे के लिए, तो गिववे भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। 200 रुपीज गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कैश है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, आप जैसे भी चाहो वैसे आप जो है 200 रुपए पेटीएम कैश अर्निंग कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम का चैनल गाइज इंपॉर्टेंट रहेगा कि टेलीग्राम चैनल आपने जो है ज्वाइन किया हो हमारा गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, और दूसरी चीज है इस वीडियो को लाइक किया हो। तो वीडियो को लाइक जरूर से करना और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना, ये जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। टेलीग्राम आपके लिए भी फायदेमंद है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फाइनल टीम, कोई अपडेट आती है, टीम न्यूज, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस, ये सारी आपको जो है टेलीग्राम पर देखने के लिए मिलती है। वेन्यू के बारे में हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। वेन्यू काफी खूबसूरत सा स्टेडियम है, सेंचुरियन का फेमस जो है ग्राउंड है। और अगर मैं बात करूं यहां पर, तो लास्ट मैच जो हुआ था 26 मार्च 2023 को हुआ था। अच्छी बैट के लिए ये जो है वेन्यू जानी जाती है, फास्ट बॉलर्स को एडवांटेज आता है। लास्ट मैच में अगर आप देखोगे 258 बना है, उसके पहले 131 और 144, 203, तो जब रन बन रहे हैं तो काफी अच्छे रन बन रहे हैं। लास्ट के 4 T20 मैचेस में इस वेन्यू पे 37 विकेट फास्ट बॉलर को मिली है और मात्र 8 विकेट जो है स्पिनर को मिली है। तो आप यहाँ पर कंपैरिजन देख सकते हो, फास्ट बॉलर्स को काफी अच्छा एडवांटेज गया है और रन जो अच्छे बैटर्स हैं उन्होंने काफी अच्छे रन ठोके हैं। 170 से 180 के बीच में मान के चलना कि इतना लगभग आपको बनते हुए दिखाई देगा। 258 यहां पर हाईएस्ट स्कोर है और लोवेस्ट स्कोर जो है यहां पर 100 रन का है। टोटल वेन्यू पे अगर मैचेस की बात की जाए, तो टोटल जो है इंटरनेशनल 14 T20 मैचेस हुए हैं। 7 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 7 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया है। 150 रन से नीचे का स्कोर 4 मैचेस में बना है, 150 से 170 रन के बीच में 2 मैचेस में, 170 से 190 के बीच में जो है 3 मैचेस में, और 190 से ऊपर अगर आप देखोगे भाई 5 मैचेस में यहाँ पर स्कोर बना है। तो यहाँ पर काफी स्कोर जो है बनते हुए आपको देखे गए हैं। लास्ट मैच जो इस वेन्यू पे हुआ था ना, वो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का हुआ था। इस वेन्यू पे 26 मार्च 2023 को, 25 मार्च 2023 को, 16 अप्रैल को यहां पर मैच हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच था। आप यहां पर जो है इन मैचेस के जो है ब्रीफ स्कोर कार्ड जो है देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं गाइस, तो यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट फास्ट बॉलर, 4 विकेट जो है सेकंड इनिंग में मिला, स्पिनर को कोई विकेट नहीं। इसमें भी अगर आप देखोगे ये वाले मैच में, तो भाई फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट फास्ट बॉलर, 4 विकेट जो है फास्ट बॉलर, सेकंड इनिंग में स्पिनर को 1 विकेट मिला और यहां पर 2 विकेट मिला सेकंड इनिंग में। यहां पर तो 9 विकेट भाई फास्ट बॉलर को मिली, 1 विकेट स्पिनर को मिली, 5 विकेट फास्ट बॉलर को मिली सेकंड इनिंग में, 2 विकेट जो है स्पिनर को यहां पर मिली जो है सेकंड इनिंग में। ये डेट थोड़ी सी जो है गलत यहां पर लिख गई है, तो इसका इग्नोर कर दीजिएगा। ये जो है आई थिंक 14 तारीख को जो है 14 अप्रैल को मैच हुआ था, ठीक है। तो लास्ट के 4 मैचेस के ग्रिप स्कोर कार्ड आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड के स्टैट्स की। तो हेड टू हेड के स्टैट्स में अगर आप देखोगे, तो भाई ये रिकॉर्ड जो है 28 मैचेस का है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। 12 बार साउथ अफ्रीका की टीम ने विन किया है, 16 बार इंडिया की टीम ने विन किया है। रिसेंट फॉर्म में देखोगे तो इंडिया की टीम बैक टू बैक जो है अपने मैचेस विन करके आ रही थी। लास्ट वाला मैच साउथ अफ्रीका से हार गई, और जो है काफी अच्छे मैचेस जो है इंडिया की टीम T20 में काफी अच्छा करती है, और साउथ अफ्रीका की टीम भी जो है हल्के में नहीं लेना है, ये भी टीम काफी डेंजरस है। लास्ट के 4 मैचेस में इस वेन्यू पर किसको कितने विकेट्स मिले हैं, राइट आर्म फास्ट को 4 विकेट, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 16 विकेट, राइट आर्म मीडियम को 8 विकेट, और लेफ्ट आर्म को यहां पर 9 विकेट मिला है। तो लेफ्ट आर्म को भी यहां पर एडवांटेज जा रहा है। लेग ब्रेक बॉलर को कोई विकेट नहीं है, चाइना मैन को 2 विकेट है, और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन को 6 विकेट है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक को कोई विकेट नहीं है। तो जो ऑफ ब्रेक बॉलर है ना लेफ्ट आर्म, उनको जो है थोड़े से विकेट्स यहाँ पर मिले हुए हैं, बाकी किसी को यहाँ पर उतने विकेट्स नहीं मिलते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया के पास जो है वरुण चक्रवर्ती है, रवि बिश्नोई है, अक्षर पटेल है, तो किसका रोल क्या रहता है और इन तीनों में से कोई एक क्या बाहर होने वाला है। प्लेइंग 11 हम देखते हैं साउथ अफ्रीका टीम की। हम प्लेइंग 11 देखेंगे, रियान रेकिल्टन के साथ में जो है रीजा हेंड्रिक्स आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, 1 डाउन पे मकरम है, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स है, फिर हेनरिक क्लासन है, डेविड मिलर है, मार्को जेंसन है, केशव महाराज है, जी कुर्जे है,
एडरिल सिमिर है और यहाँ पे एन पीटर है। तो ये साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग 11 है जो कि लास्ट मैच से ली गई है। अगर कोई चेंजेस होगा मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। प्लेयर की परफॉर्मेंस और इनके स्टैट्स देखते हैं। ड्रीम 11 का सिलेक्शन परसेंटेज, इनका T20 करियर का स्टैट्स, हेड टू हेड का स्टैट्स, वेन्यू स्टैट्स, रिसेंट फॉर्म और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग हमने जो है डाल रखे हैं। यहाँ पर आपको जो है प्लेयर रोल दिखाई देगा, प्लेयर का नाम दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रयान रेंकिल्टन से। अगर आप देखोगे कभी कभी ये गंभीर इनिंग्स खेल जाते हैं, यानी कि बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो थोड़े जल्दी आउट हो जाते हैं, स्टार्ट हर मैच में कर देते हैं, यानी कि 10-15 पॉइंट्स आपको देके जाएंगे। आप ग्रैंड की टीम में मस्ट हैव रहेगा, जरूर से ट्राई करिएगा। 29% सेलेक्शन है, प्लेयर अच्छा है, स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो। रिजा हेंड्रिक्स T20 के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। 51-51 की दो इनिंग्स खेलने के बाद भी लास्ट मैच में 24 रन किया, यहाँ पे 44 रन। और इंडिया के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे 11 मैचेस खेले हैं, 249 रन है, वेन्यू पर 5 मैचेस में 185 रन है, 37 का एवरेज है। दोनों ही जो है दोनों में से कोई एक चलेगा, इतना तो लगभग लगभग कंफर्म है कि दोनों में से कोई एक चलेगा। पावर प्ले में इतने जल्दी विकेट्स नहीं गिरने चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई एक जो है गाइस 25 से 35 रन के बीच में जरूर से मारेगा और एक प्लेयर जो है 20 रन से पहले आउट होगा। अब ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजा हेंड्रिक्स चलेंगे या रयान रेंकिल्टन, दोनों में से एक को आप जो है अपनी टीम में रख सकते हो। और ग्रैंड लीग में अगर आप जा रहे हो तो दोनों को जो है लेके जरूर से जाइएगा। इसके बाद आते हैं मकरम। मकरम का अगर आप देखोगे रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बैट से जो है बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन वही है कि ये प्लेयर काफी कमाल का है। 39% सिलेक्शन है, बढ़िया प्लेयर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है। गर्मियों पे शायद से उतना जो है सक्सेसफुल ना हो बॉलिंग के लिए, लेकिन बैट से ये बंदा अच्छा कर सकता है। 5 मैचेस खेला है वेन्यू पे, 129 रन है, 8 मैचेस में हेड टू हेड में 180 रन है। ट्रिस्टन स्टब्स लास्ट मैच में 47 रन, भाई 69% जो है इनका सिलेक्शन है, बढ़िया शानदार प्लेयर है, हेड टू हेड में 26 का एवरेज है, वेन्यू पर इन्होंने कोई मैच नहीं खेला हुआ है। इसके बाद आते हैं क्लासन। क्लासन का अगर आप देखोगे क्लास लेवल खत्म हो गया है, लास्ट मैच में 2 रन पे आउट हुए, 62% इनका सिलेक्शन है, हेड टू हेड का रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड भी हमने डाल रखे हैं, जहां पे डिसेंट सी परफॉर्मेंस है। करता धरता रहेंगे अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो डेविड मिलर, 12% सिलेक्शन है। ओवरऑल ग्रैंड लीग के टोटली ये प्लेयर रहते हैं, स्मॉल लीग में ज्यादा लेके जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मार्को जेंसन, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, अगर आप देखोगे बैट बॉल दोनों से ये परफॉर्म करते हैं, 93% सिलेक्शन है, मुझे लगता है डिसेंट ऑप्शन रहेंगे, आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। केशव महाराज विकेट मिलने के लेस चांसेस रहेंगे, रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, लास्ट के 2 मैचेस में विकेट लेस रहे हैं, हेड टू हेड के 13 मैचेस में 13 विकेट है, वेन्यू पर कोई मैच नहीं खेला है, ग्रैंड लीग के लिए ओवरऑल ये प्लेयर जो है रहने वाले हैं। जी कुर्जे को अपनी टीम में लेके जाएगा, रिसेंट फॉर्म अच्छा है भाई, हर मैच में बंदा विकेट लेके जा रहा है, हेड टू हेड के 3 मैचेस में 7 विकेट है, 89% सिलेक्शन है, बढ़िया प्लेयर है, राइट आर्म फास्ट जो है बॉलिंग करता है। और जो है एडमिल की भी अगर मैं बात करूं 13% सिलेक्शन है, ओवरऑल ये ग्रैंड लीग के प्लेयर रहेंगे, स्मॉल लीग में आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। नगबा पीटर इनका भी जो है ग्रैंड लीग के हिसाब से ये ठीक प्लेयर है और बाकी स्मॉल लीग में लेके जाने की जरूरत नहीं है। इनके जो बेंच पे प्लेयर्स है ना तो उनका भी हमने यहाँ पर नाम लिखा है, तो आप देख सकते हो इसमें जो है अगर ओटनील बाटरमैन अगर खेल गए ना तो ये बढ़िया प्लेयर है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करता है, विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। ग्रैंड लीग की टीम में आपको अगर मैं बताऊं तो भाई CVC भी कर देना अगर खेले तो। साउथ अफ्रीका की तरफ से पावर प्ले और डेथ में बॉलिंग कौन कराएगा, तो पावर प्ले में आपको जो है मार्को जेंसन, जी कुडजे और एडमिल सिमिले, तो ये जो है आपको 3 प्लेयर रहेंगे जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए मिलेंगे। नगबा पीटर, केशव महाराज, मार्को जेंसन और जी कुडजे, ये जो है आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए मिलेंगे साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से। जिसमें अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ पे जो है मार्को जेंसन और नगबा पीटर ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेथ की जो है बॉलिंग के लिए, विकेट मिलने के इनको हाई चांसेस है। ग्रैंड लीग की टीम में तो आप इनको CVC भी कर लेना, स्पेशली यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा ना तो ग्रैंड लीग के लिए बहुत शानदार आपको पिक एन पीटर की मिलती है। प्लेयर्स मैचअप देख लो भाई, प्लेयर्स मैचअप की अगर हम बात करें, रयान रेंकिल्टन, अर्शदीप सिंह ने एक बार आउट किया है और वरुण चक्रवर्ती ने भी एक बार आउट किया हुआ है। क्लासन को अर्शदीप सिंह ने एक बार, हार्दिक पांड्या ने 2 बार और वरुण चक्रवर्ती ने इनको 2 बार आउट किया है। रिजा हेंड्रिक्स, हार्दिक पांड्या ने 17 बॉले कराई है, 26 रन देखे, एक बार इनको आउट किया है। मकरम को अर्शदीप सिंह ने 2 बार आउट किया है, 45 बॉलों में 59 रन दिया है। अक्षर पटेल ने 2 बॉले कराई है और एक बार आउट किया है। हार्दिक पांड्या ने 11 बॉल कराई है, 17 रन देखे, एक बार आउट किया है। वरुण चक्रवर्ती ने 2 बॉले कराई है और एक बार इनको आउट किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। संजू सैमसन के साथ में अभिषेक शर्मा आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, वन डाउन पे सूर्य कुमार यादव है, उसके बाद तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है, अक्षर पटेल है, रवि बिश्नोई है, आवेश खान है, वरुण चक्रवर्ती है, अर्शदीप सिंह है। तो ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 है।
प्लेइंग 11 के साथ साथ हमने यहाँ पर इनके प्लेयर रोल भी डाल रखे हैं, तो प्लेयर रोल भी आप देख सकते हैं। प्लेयर के स्टैट्स की हम बात करते हैं, संजू सैमसन लास्ट मैच में 0 पे आउट हुए, उसके पहले 2 सेंचुरी है, थोड़े से हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर ये आते हैं कैटेगरी में। ओवरऑल 87% सिलेक्शन है, हेड टू हेड के 2 मैचेस में 107 रन है, 53 जो है इन्होंने 53 का एवरेज है जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। 2 मैचेस खेले हैं हेड टू हेड में, वही सेम है, वेन्यू पर कोई मैच नहीं है, वेन्यू पर आपको मोस्ट ऑफ द प्लेयर का जो है स्टैट्स नहीं मिलेगा। अभिषेक शर्मा रिसेंट फॉर्म काफी पुअर है, अगर आप देखोगे तो गाइस बैट से थोड़ा सा भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और मैं अगर बताऊं तो ये बढ़िया प्लेयर रहते हैं, स्मॉल लीग की टीम में आप अपनी टीम में रख सकते हो, ग्रैंड लीग की भी टीम में इनको ट्राई करना बढ़िया ऑप्शन है। सूर्य कुमार यादव वन ऑफ द बेस्ट जो है ऑप्शन, आईसीसी कभी जो है रैंकिंग में नंबर 1 पे थे, अभी नंबर 2 पे आ गए हैं, टार्विस हेड नंबर 1 पे है, 81% सेलेक्शन है, नो डाउट बढ़िया ऑप्शन है, हेड टू हेड में अभी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। तिलक वर्मा अपने दिन पे आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, जनरली अगर आप देखोगे थोड़े से जो है एवरेज प्लेयर यहाँ पे नजर आते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, सीबीसी इनको ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में 39 रन किया नॉट आउट, 87% सिलेक्शन है, सीबीसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट आपको ऑप्शन मिलते हैं। रिंकू सिंह ओवरऑल ग्रैंड लीग के प्लेयर रहेंगे और टॉप ऑर्डर बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो उस कंडीशन में लेके जा सकते हो, ताबातोड़ बैट करने के लिए जाने जाते हैं, हेड टू हेड के 4 मैचेस में 107 रन है, ओवरऑल ग्रैंड लीग के प्लेयर रहेंगे। यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो अक्षर पटेल को, मुझे लगता है कि डिसेंट सी ऑप्शन रहती है भाई, इनको अपनी टीम में रख सकते हो, लास्ट मैच में जो है इन्होंने 27 रन किया, बैट बॉल दोनों से परफॉर्म जो है ये करते हैं। रवि बिश्नोई 70% सिलेक्शन है, अगर आप देखोगे रिसेंट फॉर्म में अच्छा जो है ऑप्शन है, अभी जो है आईसीसी रैंकिंग में 8वें पोजीशन पे आ गए हैं, कभी जो है नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में ये जो है रहते थे। आवेश खान ग्रैंड लीग के प्लेयर रहेंगे, बाकी वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में रख सकते हो, बंदा लास्ट मैच में 5 विकेट, उसके पहले 3 विकेट, तो भाई अच्छे विकेट्स निकाल रहा है, हेड टू हेड के 2 मैचेस में 8 विकेट है, लेग ब्रेक बॉलर है, हालांकि वेन्यू पर लेग ब्रेक बॉलर को उतनी विकेट्स नहीं मिलती है, फिर भी आप अपनी टीम में रख के जा सकते हो, 1-2 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। अर्शदीप सिंह यहाँ पर काफी जो है अच्छे ऑप्शन होंगे, 74% सिलेक्शन है, लेफ्ट आर्म फास्ट जो है बॉलिंग करते हैं, और आपको ही पता है लेफ्ट आर्म को काफी अच्छे विकेट्स मिलते हैं, 9 विकेट मिली हुई है लास्ट के 4 मैचेस में, हेड टू हेड के 8 मैचेस में 12 विकेट है, जरूर से अपनी टीम में रखिएगा, बढ़िया ऑप्शन आपको मिलते हैं। जो इंडिया के बेंच में प्लेयर्स है ना उनका हमने यहाँ पर नाम लिखा है, तो आप इनके नाम यहाँ पर देख सकते हो। पावर प्लेयर डेथ में बॉलिंग कौन कराएगा, तो पावर प्ले में आपको बता दे अर्शदीप सिंह, आवेश खान, हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती, ये आपको जो है पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए मिलेंगे। डेथ में अगर मैं बात करूं अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, हार्दिक पांड्या, आवेश खान और अर्शदीप सिंह, ये प्लेयर जो है आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए मिलेंगे इंडिया टीम की तरफ से। प्लेयर्स बैटल देख लो, प्लेयर्स बैटल में अगर आप देखोगे संजू सैमसन, मार्को जॉनसन ने इनको 9 बॉल लेकर आई है, 12 रन देके एक बार आउट किया है, नकबा पीटर ने भी 9 बॉल कराई है, 27 रन दिया है, एक बार आउट किया हुआ है, सूर्य कुमार यादव को जो है सिम लेने ने एक बार आउट किया है, अभिषेक शर्मा को जी कुटजे ने 6 बॉल कराई है, 4 रन देके इनको 2 बार आउट किया है, तिलक वर्मा कुटजे ने एक बार आउट किया है, केशव महाराज ने 2 बार और मकरम ने इनको 3 बॉल कराई है, 2 रन देके एक बार आउट किया हुआ है। गाइस टेलीग्राम का चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। गिवे का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, देखो यार बहुत ही सिंपल सा है गिवे का क्वेश्चन, कौन सी टीम जो है टॉस विन करेगी, कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा रन मारेगा, कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा, जिसका भी आंसर सही होगा उसको 200 रुपीज गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कैश मिलेगा। बस आपको क्या करना है, हैशटैग जो है कमेंट में आपको लिखना है साउथ अफ्रीका वर्सेज जो है आपको लिखना है IND इंडिया, साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया हैशटैग के साथ में अपना आंसर लिखिएगा, कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा रन मारेगा, कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा, कौन सी टीम जो है टॉस विन करेगी, जिसका भी आंसर सही होगा 200 रुपीज गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कैश उनको मिल जाएगा। हम अपने ड्रीम 11 की यहां पर टीम देखते हैं, अगर आप टीम देखोगे साउथ अफ्रीका के मैंने 4 प्लेयर लिए हैं, इंडिया के मैंने 7 प्लेयर लिए हैं, क्लियर कट अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो टीम इंडिया को जाएगा और इंडिया की टीम जो है विन कर सकती है। क्लासन को मैंने अपनी टीम में ले रखा है, साथ ही साथ संजू सैमसन हमारी टीम में, सूर्य कुमार यादव है, क्रिस्टियन स्टब्स को ले रखा है, तिलक वर्मा है हमारी टीम में, हार्दिक पांड्या है, मार्को जेनसन है, अर्शदीप सिंह है, रवि बिश्नोई है, जी कुटजे है और यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती है। फिलहाल मैंने यूनिवर्सल सीबीसी ऑप्शन आपको दिए हैं, यानी कि सूर्य कुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती को सीबीसी किया है, आप अगर सेफ जाना चाहते हो तो हार्दिक पांड्या और मार्को जेनसन के साथ में जा सकते हो, हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन, मार्को जेनसन एज अ वाइस कैप्टन।
ट्रम्प कार्ड पिक्स, आपको साउथ अफ्रीका की तरफ से रियान रेकल्टन एक बढ़िया ऑप्शन मिलती है, और मकरम की अगर इनकी बैट फर्स्ट आती है तो, बॉलिंग अगर फर्स्ट आती है तो सिमलेने को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ये जो है डिसेंट ऑप्शन है, या फिर एन पीटर भी अगर मैं बात करूं डेथ पे बॉलिंग करते हैं तो उनको आप ट्राई कर सकते हो। इंडिया की तरफ से नो डाउट अभिषेक शर्मा रहेंगे जो कि ओपन करते हैं। मिडिल ऑर्डर के लिए आपको जो है अक्षर पटेल मिल जाते हैं, और अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है देन आप जो है आवेश खान को भी ट्राई कर सकते हो। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और जो है संजू सैमसन, ये तीन के साथ में आप जा सकते हो। बाकी मैंने सूर्य कुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती को यहाँ पर वाइस कैप्टनसी अभी के लिए दी हुई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। मेरे भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।